Hello friends, Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. The topic today I am going with is one of the most famous science fiction by Marissa Mayer, Cinder. So Marissa Mayer, Joanna, she is basically a businesswoman. She bought a lot of in Yahoo and Google companies. So he began to write that series in 2012. जब जो है ना इन्होंने पब्लिश की अपनी सीरीज विद द नेम द द्यूनर क्रॉनिकल्स इस सीरीज के अंदर टोटल सिक्स बुक्स थी जिसमें से फोर जो है ना वो ज्यादा एमिनेंट बुक्स थी और वो नॉवल्स थे और उन्हीं फोर बुक में से जो सबसे पहला नॉवल था दैट तो वॉज सिंडर वी टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस तो वाइज सिंडर इज अ साइंस फिक्शन मतलब कि इसमें डिफरेंट आपको रोबोट्स दिखाए जाएंगे साइंटिफिक एलिमेंट्स होंगे जो इसमें मूव करेंगे फर्दर जो है ना इट इज अंग अडल्ट फिक्शन मतलब इसको लिखा गया है बारह से अठारह साल के लोगों के लिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ फेरी टेल एंड देन इट्स अ सॉर्ट ऑफ फैटेसी फिक्शन इसमें जो है ना आपको दो तरह की जनरेशन सिखाई गई हैं एक जो है ना आपके पास अर्थ जनरेशन है लाइक जो अर्थ के ऊपर लोग रहते हैं वो है दूसरा जो है ना इसके अंदर दिखाई गई है ल्यूनर्स मून के ऊपर जो है ना रहने वाले लोग तो मून के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनमें कुछ है साइबॉक साइबॉक कौन है कि उनके अंदर जो है ना वो हाफ ह्यूमन ट्रेड्स है मतलब वो आधे इंसान हैं और आधे मकेनिक्स हैं आधे मशीन हैं और जो है ना उन ल्यूनर्स के अंदर ही कुछ लोग जो है ना ऐसे हैं कि उनके पास ये पावर्स हैं कि वो अर्थ के लोगों के जो माइंड्स हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं अब उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये पावर्स नहीं है तो वो लोग जिनके पास ये माइंड कंट्रोल करने की पावर्स नहीं है उनको शैल कहते हैं सेटिंग के हवाले से बात करें तो इसमें दो सेटिंग्स दिखाई गई हैं फर्स्ट वन इज अर्थ जो अर्थ की सेटिंग है सिंपल और जिसमें जो है सेटिंग में आपको न्यू बीजिंग जो दिखाया गया एक फैंटेसी सिटी और सेकेंड जो है इसमें ल्यूनियर सेटिंग रखी गई है मून की सेटिंग आपको दिखाई गई है फर्दर नरेशन के बारे से बात करें तो इसमें थर्ड पर्सन जो है वो नरेशन दिखाई गई है और कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिसमें प्रिंसकाई के परस्पेक्टिव से दिखाया गया है एंड प्रिंस काई इज अ करेक्टर इन दैट स्टोरी नाउ गोविंग टू द प्लॉट ऑफ स्टोरी स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट होती है की एक सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल है जिनका नाम है सिंडर और सिंडर जो है वो एक साइबोग है साइबॉग क्या है कि हाफ मशीन है और हाफ जो है ना वो ह्यूमन है वो जो है ना वेट कर रही है अपने एक एंड्रॉइड का जिनका नाम है इको इको का वेट करिए कि वो जो है ना उसके लिए एक न्यू फूट लेके आए। अब वो जो है वहीं पर बैठ के न्यू फूट को जो है ना अपने आ, अपने सॉकेट्स के साथ ज्वाइन कर रही है तो इतने में जो है ना वहां पर एक मैन आ जाता है और वो जो है ना जब अपने जो उनका रिटेनर होता है उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जिसे वो पहचान लेती है कि ही इज प्रिंस काई तो प्रिंस काय जो है ना उनका भी एक एंड्रॉयड होता है जिसका नाम है नैन्सी तो वो जो है ना उसको फिक्स कराने के लिए लाए होते हैं तो वो ये देख हैरान रह जाते हैं कि जो सिटी के अंदर बहुत मशहूर और फेमस जो है ना मकैनिक है रिपेयरर है वो जो है ना एक टीन एजर गर्ल है सिंडर की बेसिकली वो मकैनिक्स की शॉप है और वो जो है ना पूरे सिटी के अंदर जो है ना वो जानी मानी मकैनिक मानी जाती है ये प्रिंस काय जो है ना वो उसके मकैनिक्स की तारीफ करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे जो है ना ये फिक्स करके दो मेरा रोबोट तो वो जो है ना सिंडर अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाती है प्रिंस काई से अपना जो फुट वो लगा रही थी उसको वो छुपा लेती है साइबॉक्स से क्योंकि जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो जो ना साईबॉक्स को इन्फीरियर समझते थे और सिंडर जो है वो नहीं चाहती थी कि प्रिंस काई जो है ना वो उसको इन्फीरियर समझे ओके जी प्रिंस काई जो है ना वो अपना नैन् उसके पास छोड़ के चले जाते हैं और इको अगर भी ये डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर जो है ना वो शोर मच जाता है कि एक चैंग साशा जिनका जो है उनके साथ ही शॉप होती है उसको जो है ना वो डिजीज हो गई है एक वायरस हो गया जिसका नाम है लिटियोमोसिस उन दिनों जो है ना लिटियोमोसिस जो है ना वो काफी उसका आउटब्रेक हो रहा होता है वो एक वायरस होता है तो वो जो है ना फौरन से अपने नेट्स बंद कर लेते हैं कि वहां पर जो है ना वो इमरजेंसी हो भर आएगी और जो है ना वो चैक साशा को ले जाए तो मार्केट से फ्री होने के बाद जो है वो सींडर जाती है घर और जाके जो है ना वो बेसमेंट में जाती है जहां पे उसका रूम होता है वहां पे वो नैन्सी को रखती है और ऊपर आती है तो देखती है कि एड्री जो कि उसकी जो है ना स्टेप मदर है वो जो है ना अपनी डॉटर पर्ल और प्योनी उनके लिए जो ना वो ड्रेसेस लाई होती हैं और उनकी फिटिंग वगैरह जो है ना वो चेक कर रही होती है तो सिंडर जो है वो खुशी जाती है और फिर वो बताती है कि मैं भी जो है ना वो अपनी फिटिंग देने के लिए रेडी हूं लेकिन एड्री जो है ना वो उसको बताती है कि भाई तुम्हारे लिए जो है ना बॉल पे जाने का एक्चुअली जो ना वो ड्रेसेज इसलिए लाए होते हैं कि प्रिंस काई ने जो है ना वो एक बॉल रखी होती है जिसपे ये सब जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो एड्रेस जो है ना वो बताती है सिंडर को कि मैं जो है ना तुम्हें एक ही शर्ट पे लेके जाऊंगी अगर तुम हमारी होवर होवर जो ना टाइप ऑफ कार उसको जो है ना तुम रिपेयर कर दो तो सिंडर बताती है कि उसके लिए तो मेगा बेल्ट की जरूरत है और मेरे पास मेगा बेल्ट खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तो मैंने आपको दे दिया आपके अकाउंट में डाल दी तो जो एड रही वो कहते हैं ये मेरा मसला नहीं है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैगा बैड खरीद सकूँ और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जो है ना तुम्हारे लिए ड्रेस ले सकू अब उसी टाइम ही जो है ना वो न्यूज आ रही होती है कि प्रिंस काई जिसमें जो है ना वो खिताब कर रहे होते हैं आवाम से और वो बताते हैं कि लिटो के लिए वैक्सीन बनाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और फर्दर जो है ना वो बताते हैं कि जो क्वीन लेबोना है उनकी तरफ से भी जो है ना वो आ रही है डिफरेंट प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर और फिर क्वीन लेवना के बारे में जो है ना वो बताया जाता है कि वो जो है ना एक क्वीन है ल्यूनर

तो वहाँ पर जो है प्योनी उसके पास आ जाती है और वो उसको पहले जो है रिग्रेट करती है कि मेरी जो है ना मदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ और फिर उनके दरियान तो में गौसप स्टार्ट होती है तो इको उसको कहता है कि हम जंक यार्ड में जाके जो है ना मेगा बेट्स ढूंढ सकते हैं जिससे हुआ रिपेयर हो जाएगी और प्योनी इंसिस्ट करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी तो इस तरह से इको प्योनी और सिंडर जो है ना वो जंक यार्ड जाते हैं मेगा बेट्स ढूंढने के लिए तो वो वहाँ पर जो है ना वो बेल्ट ढूंढते हुए डिफरेंट बातें भी करते हैं जिसमें जो है वो उसको बताती है कि प्योनी को सिंडर के प्रिंस काई जो है ना वो उसको आज मिले थे और सिंडर सॉरी प्योनी को जो है ना वो प्रिंसकाई बहुत पसंद होते हैं तो वो ये जो है ना सुन के एक्साइटेड हो जाती है कि वो जो है ना उससे मिले थे और वो दोबारा भी उससे मिलेंगे जब जो है ना उसको नैन्सी दी जाएगी वापिस किया जाएगा तो वो फिर भी उन्हें उसको बताती है कि भाई तुम्हें जो है ना ये नैन्सी उसको इस हफ्ते जो है ना मार्केट क्लोज होने वाली है तो उसके पहले पहले ही तुम्हें जो इसको वापस कर देना चाहिए लेकिन सिंडर कहती है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं बॉल पे जा सकूं और उसको जो ना वो वापस कर सकूं अब क्या होता है कि उनकी इन्हीं बातों के दौरान ही मेगा बेल्ट जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं और इसी दौरान जो ना उनको जंक यार्ड के अंदर से एक कार भी मिलती है गैसोलिन कार तो वो जो है ना बजा बहुत पुरानी हो चुकी होती है और ऐसे यूजलेस चीज लग रही होती है लेकिन सिंडर सोचती है कि वो इसको रिपेयर कर सकती है और इसको यूज करते हुए वो यहाँ से यूरोप भाग के जा सकती है लेकिन पियोनी सोचती है कि वो जो है ना इस कार को यूज करते हुए एक सिटी से दूसरे सिटी कभी ट्रैवल नहीं कर पाएगी उनकी यही बातों के दौरान ही जो ना वो सिंडर नोटिस करती है कि पियोनी को जो है वो एक जो डार्क स्पॉट जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गए तो वो जो ना जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि पियोनी सफरिंग फ्रॉम लिटियोमोसिस तो वहां पर फिर जो ना एमरजेंसी होवर आ जाती है जो कि लेके चली जाती है किनको प्योनी को लेके चली जाती है तो इसके बाद जो है ना वो सिंडर जो जब घर आती है तो वहां पे ऑलरेडी मैट्रॉइड्स आ चुके होते हैं मैट्रॉइड्स जो ना ये भी एक्चुअली रोबोट्स होते हैं जो के जो है ना काम कर रहे होते हैं करंटीन करने का जो डिफरेंट के पेशेंट्स होते हैं वो उनको जो है ना ले जाके करंटीन करते हैं तो मेड्रॉइड जो है ना वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो पर्ल और एड्री का जो है ना वो टेस्ट करते हैं जिनको लेटे नेगेटिव आता है और एड्री जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है कि तुम जो है ना प्योनी को क्यों लेके गई थी तुम्हारी वजह से जो है ना वो प्योनी भी मौत के मुंह में चली गई और तुम्हारी वजह से मिस्टर गैरन जो कि एड्री के हस्बैंड है जिन्होंने अडॉप्ट किया था सिंडर को उनकी भी जो है ना वो डेथ हुई थी तो फिर जो है वहाँ पे पर्ल जो है ना वो बताती है कि जो साइबॉक्स हैं उनको जो है ना वो यूज करके उनके ब्लड को यूज करके एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं लेट्योमोसिस की तो ये इस तरह से था कि अपने आप को सेक्रीफाइस करना था फॉर ह्यूमेनिटी तो सिंटर जो है वो इस चीज के लिए डर जाती है और वो ये सोचती है कि एड्री जो है ना वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कभी करने की परमिशन नहीं देगी क्योंकि वो जो है ना एक ही एक है जो यहाँ पर कमा रही है उनके अंदर जो है ना वो वर्किंग जो बंदी है वो बस वही है लेकिन जो है ना फिर जब एड्री को यह पता चलता है कि अगर वो जो है ना इसको देगी फॉर रिसर्च पर्पज के लिए center को तो उसको जाना वो पैसे मिलेंगे तो वो जाना है ना रेडी हो जाती है कि वो सेंडर को भेजेगी फॉर रिसर्च पर्पज के लिए तो वो जो ना फॉर को बुला लेती है सीडर रजिस्ट करती है लेकिन फिर भी जाना है उसको भी यूज करके ले जाते हैं अब क्या होता है कि उसको जाना है ना रिसर्च लैब में ले जाया गया और वहां पर जो हैड डॉक्टर होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर अर्लैंड डॉलैंड जो है ना वो सेंडर को जो है ना वो डिफरेंट देते हैं मेडिसिन वगैरह और उसको वहाँ लिटा देते हैं अब क्या होता है कि सीडर को जो है ना डिफरेंट ड्रीम्स भी आते हैं और उसके बाद जब उठती है तो वो देखती है कि उसका जो है ना बॉडी को मिरर में देखती है तो वो ज्यादातर मशीन होती है तो वो जो है ना फिर उसके बाद जो है ना उसको एक डोज दी जाती है लिटोमोसिस की कि जब वो स्टेज टू पर एंट होगी तो फिर एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी लेकिन जो है ना वहाँ पर एक डॉक्टर एलेंड का असिस्टेंट होता है ली वो जो है ना थोड़े टाइम के बाद इन्फॉर्म करता है डॉक्टर एलेंड को कि जो उसके अंदर हमने इंजेक्ट किया था लिटोमोसिस का वायरस वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है ये चीज जो है ना डॉक्टर इलैंड को जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहती है अच्छा अब जो है ना जब सेंटर होश में आएगी तो उसको जो ना मेरे पास भेजे मैंने उससे बात करनी है तो डॉक्टर इलैंड जो ना वो सेंटर को बताते हैं कि तुम्हारा जो है ना सिस्टम को जिस तरह से इम्यून है कि जो लेटो मॉसिस नहीं हो सकता और फिर जो ना सेंडर उसको बताती है कि उसके जो फादर थे मिस्टर गैरन उन्होंने जो है ना मे बी उसके सिस्टम के साथ कोई इस तरह से मोडिफिकेशन कर दी थी कि वो इम्यून हो गई है और उसको इस बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है तो डॉक्टर इलैंड जोनस उसको कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करो तो हम बहुत सारी जिंदगियों को जो है वो बचा सकते हैं तो सिंडर जो है वो रेडी हो जाती है लेकिन वो कुछ कंडीशन रखती है कि वो फर्स्ट ये होती है कि वो जब भी ये जगह छोड़ के जाना चाहे तो उसको ये परमिशन दी जाएगी कि वो जा सकती है दूसरा उसको जो है ना इस काम के लिए पे किया जाएगा और तीसरा जो है ना वो कहती है कि जो सबसे पहले डोज बनेगी एंटी ट्रोड की वो जो है ना प्योनी को लगाई जाएगी तो उसकी कंडीशन को मान लिया जाता है सिवाय एक के जो पहली डोज है वो इम्प्रोरिकन को लगाई जाएगी प्योनी को नहीं लगाई जाएगी तो इसके बाद जो है वो अः काई के ऊपर जो ना वो सीन शिफ्ट होता है कि वो जो है ना अपने फादर को देख रहे होते हैं जो कि जो है ना बिल्कुल अबाउट डेथ बेड के ऊपर है और फिर वो सोच रहे होते हैं कि भाई वो किस तरह से सारे मसाइल को देखेंगे तो उनके जो है ना एक एडवाइजर हैं है टॉरेंट्रिकन के तो वो दोनों जाना फिर बात सोचते हैं कि वो जो किस तरह से निगोशिएट करेंगे क्वीन लेवाना से तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना डॉक्टर इलैंड से विजिट करके आऊँगा कि उनकी जो है सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है तो वो जो ना विजिट करते हैं डॉक्टर इरलैंड के पास प्रिंस काई तो वहाँ पर जो है वो सेंटर भी मौजूद होती है और वो जाना प्रिंस का ही जो है ना प्रिंस काई के आने से जाना वो सिंडर जो है ना उसने पहने होते हैं अपने ग्लव्स भी और बूट्स भी तो वो जो ना थोड़ा खुश हो जाती है कि भाई ठीक है मैं, मेरी जो है आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई तो फिर जो ना वो पूछते हैं कि भाई वो सिर यहाँ क्या कर रही है तो वहाँ पर डॉक्टर एलंड जाना वो झूठ बोलते हैं कि सिंडर जाना वो यहाँ पर मेड्राइड को जो है नो चेक करने के लिए आई हुई थी वो जो ना उसकी आइडेंटिटी प्रिंस काई से छुपा लेते तो प्रिंस का ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं मगर वो जो ना रिक्वेस्ट करते हैं सिंडर से कि वो नैसी को जल्दी से फिक्स कर दे क्योंकि उनको जाना वो काफी सारे उससे काम है उसके बाद क्या होता है कि सिंडर जाना वो अपने घर वापस आती है तो एड्री और पर्ल जाना उसको जिंदा देख के पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं फिर वो जो है ना उनको बताती है कि उसको जाना रिसर्च लैब वालों ने वापस भेज दिया है कि वो जाना मजदीद कोई काम नहीं कर सकती अब जो है ना वो बेसमेंट पे जाती है और जो है ना इकू उसको जाना बताता है कि मतलब वो इको खुश हो रहा होता है कि अब जो है ना रिसर्च से जो पैसे मिलेंगे वो उससे जाना ड्रेस ले सकेगी और बॉल पर जा सकेगी ब्लैक एंड कहती है कि एड्री उसको किसी सूरत भी बॉल पे नहीं जाने देगी और वो डिसाइड करती है कि वो जो है ना पहले थोड़ा बहुत टाइम वो स्पेंड करती है नैन्सी को फिक्स करने में एंड देन जो है ना वो पूरी नाइट स्पेंड करती है ओवर कार की रिपेयरिंग के ऊपर सॉरी गैसोलीन की कार रिपेयरिंग के ऊपर जंक यार्ड में जाके अब क्या होता है क्योंकि वो प्लान कर रही होती है कि वो न्यू बीजिंग छोड़ के भाग जाएगी अब उसके बाद क्या होता है कि वो सारी रात वहां पे जाना स्पेंड करती है अब सुबह जब उठती है तो उसके हैंड के अंदर एक चिप होती है और उस चिप में जो उसको एक मैसेज मिलता है कि प्योनी जो है वो लास्ट सॉरी थर्ड स्टेज ऑफ लिटियमोसिस में पहुंच चुकी है तो वो जाना परेशान हो जाती है प्योनी के लिए और वो जाना फ़ौरन से वहां जाती है कहाँ जाती है uh, डॉक्टर इलैंड के लैब में जाती है प्योनी से मिलने के लिए तो इसी दौरान ही जो है ना वो एक और न्यूज वायरल होती है जिसमें जो है ना क्या होता है कि इम्प्रोरिकन की जो है ना वो डेथ हो जाती है अब इसी जो है ना वो डेथ के बाद एक और जो है ना वो न्यूज आती है कि जिसमें जो है ना वो क्वीन लेबाना जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो बोलती हैं एक जो है नेट स्क्रीन के थ्रू जिसमें जो है ना वो पहले तो इम्प्रोरिकन की डेथ के लिए जो है वो कंडोलेंसेस पेश करती हैं और दूसरा जो है ना वो कहती हैं कि वो बहुत जल्द विजिट करेंगी तो प्रिंस काय जो है वो टोरेन के साथ ही खड़े होते हैं और वो जो है ना फिर सोच रहे होते हैं कि वो कभी भी जो है ना क्वीन लेवाना से नहीं शादी करेंगे क्योंकि वो हमेशा वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है पावर के लिए लूनर्स जो है ना वो सारे ही पावर के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं फिर उसको जो है ना ये भी र्यूमर्स होती हैं कि जो प्रिंसेस सिलीन है वो मे भी जिंदा है तो वो ये सोचता है कि मैं जो है प्रिंसेस सिलन को जो है ना ढूंढ के उससे शादी कर लूँ ताकि पीस मेंटेन रह सके अर्थ पे भी और ल्यूना पे भी उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो है वो प्रिंस काई विजिट करते हैं डॉक्टर इंगलैंड का और वहीं पर उनको जो है ना वो सिंडर भी मिलती है और सिंडर को जो है वो बताते हैं

उसके सामने तुम शेल हो थे तो, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी। तो फिर जो है ना वो कहती है ठीक है मैं जो है ना नहीं जाऊँगी अब क्या होता है कि जब घर वापस आती है तो उसकी नजर जो है ना वो प्यूनी के ड्रेस के ऊपर भी पड़ती है और जो है ना उसने नैन्सी को वापस करना होता है आ, तो वो जो है ना नैसी को जब वापस करने के लिए जा रही होती है पैलेस की तरफ तो उसको जो है ना रास्ते में काफी रश नजर आता है जो कि किस लिए होता है क्वीन लेवाना के लिए जो है ना होता है कि वो आ रही है इस वजह से होता है अब क्योंकि डॉक्टर इलैंड ने उसको मना किया था क्वीन लेवाना के सामने जाने से तो वो जो खुद साइड पर ठहर जाती है और नैसी को जो है ना वो आगे भेज देती है अब नैसी जो है वो प्रिंस के पास पहुंच गया और वो जो ना वहाँ से घर आ जाती है अब जब वो घर आती है तो उसके हाथ में जो चिप है वो जो है ना उसने अटैच कर दी होती है नैन्सी के साथ भी मारने वाली है प्रिंस को उससे शादी करने के बाद तो ये बात जो है ना वो सिंडर को परेशान कर देती है कि वो जो है ना बचाना चाह रही होती है सिंडर को क्वीन लेवाना से तो वो जो है ना प्योनी का ड्रेस पहन लेती है और जल्दी से जो है ना वो बाल में पहुंचती है अपनी गैसोलिन कार के थ्रू अब क्या होता है कि बाल पे जाना है ना वो जाके वो उसको प्रिंस काई को ये बताने के लिए वो उससे डांस करना स्टार्ट करती है तो वो जाना बताती है उसको कि क्वीन लेवाना जो वो आपको मार देगी लेकिन जो है ना प्रिंस काई उसको कहता है कि मैं जो है ना ये सब उससे जो शादी करने का मेरा फैसला है मैं सिर्फ पीस मैंटेन करने के लिए कर रहा हूँ अर्थ पे भी और ल्यूना पे भी तो वो फिर जो है ना सिंटर सोचिए कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से जो है वो खुद ही क्वीन लेवाना को जो है ना वो गुस्सा आ जाए और वो खुद ही शादी से मना कर दे तो वो जो ना वहाँ पर किस करती है प्रिंस को और जिसपे जो है ना क्वीन कुंडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है ना फौरन से ना गार्ड्स को कहती है कि सिंडर को पकड़ लें अब सिंडर को जो है ना वो क्या होता है पकड़ लिया जाता है और फिर वो जो है ना वो ब्रेन वॉश करती है उस तरह से माइंड कंट्रोल करती है सिंडर का और उसको जो है ना वो फोर्स करती है कि वो जो है ना गन निकाले और अपनी आप को शूट कर दे तो जैसे ही ये जो है ना वो शूट करने लगती है उसका जो ग्लैमर है ग्लैमर का जो असर है ल्यूनर ग्लैमर जो है न यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है उसका असर जो है ना वो खत्म हो जाता है और वो जो है ना गन फेंक देती है और वो भागती है अब जब वो भाग रही होती है तो उसका फुट जो है ना एक निकल जाता है वहां पे गिर जाता है जिससे जो है ना प्रिंस काई को पता चल जाता है कि सिंहर वाजा साहब तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि सिंडर ने जो ना अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई है उसे तो क्विंवाना जो है ना वहां पर कहती है कि क्योंकि ये सिंडर है इससे सिंडर जो है ना वो एक ल्यूनर है तो उसको ल्यूना पे चांद पे वापस भेज देना चाहिए जिसपे प्रिंस काई भी जो है ना वो एग्री करते उसके बाद जो है ना वो क्या होता है कि सीन जो है ना वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिंडर जो है ना वो एक जेट में बैठी है जिसमें जो है ना उसको वापिस भेजा जा रहा है ल्यूना पे तो उसी में जो है ना उसी जेट के अंदर ही जो है ना वो उससे मिलने के लिए आते हैं डॉक्टर डॉक्टर तो वो वो उसके लिए लाए होते हैं एक नया और वो जाना उसको फर्दर बताते हैं कि भाई आप जो है ना एक्चुअली अः हो और प्रिंसेस सिलीन हो वो जो है ना उसको आके यहाँ पे इनका शाह बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मैं भी जो है ना एक साइबुर्ग हूँ और क्वीन लिफोना ने जो है ना मेरी बेटी को मार दिया था जिसकी वजह से मैं वहां से भाग के यहाँ पे आ गया था तो उसके बाद जो है ना वो प्रिंसेस सिलीन जो सेंडर जो है वो ये सोच रही होती है कि मुझे जो है ना अब फाइट करनी चाहिए अपने जो है ना राइट के लिए और अगर जो है ना मैं पीस मेंटेन करना चाहती हूँ और प्रिंस काई को बचाना चाहती हूँ तो मुझे जो है ना अपना जो थ्रोन है वो वापस लेना पड़ेगा वो यही बातें वहाँ पर बैठ के सोच ही रही होती है कि ये स्टोरी एंड हो जाती है सो दैट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ सिंडर आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू